नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शबनम जो है वो अपनी माँ बनने के लिए एक बड़ी बात कही है। एक बड़ी बात सब लोगों को कही है, ये सब लोगों को सुनना चाहिए कि शबनम ने ऐसी क्या बात कही है कि अपनी माँ बनने की जो स्थिति है वो जो कह सकती है कि कितनी संभावना है, क्या है सब कुछ आज शबनम ने अपनी भाषा में जो कह सकती हैं सभी लोगों को एक संदेश दिया है। तो आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। तो उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कंटेंट्स अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों शबनम केस में शबनम जो है वो मतलब हम लोगों ने कई मतलब एक से डेढ़ महीने पहले ही हम लोगों ने देखा था कि उस समय शबनम की एक बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, वो थी शबनम की माँ बनने की स्थिति को लेकर के, कि लोग कह रहे थे कि शबनम बचना चाहती है, अपनी माँ बनने की स्थिति को दिखा करके लोगों के सामने में सिंपैथी गेन करना चाहती है, जिस वजह से उसको और लगभग 6 से 7 साल तक और भी टाइम मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं बता दूँ आपको कि कानून कभी भी प्रेगनेंसी औरत और 5-6 साल से कम के बच्चे वाली माँ को कभी भी फांसी नहीं देती, तो इसीलिए लगभग 6 से 7 साल समय मिल जाएगा शबनम को अगर ऐसा होता है तो। लेकिन इस सारी बातें को लेकर के शबनम ने एक बात कही है। शबनम ने कहा है कि वो कभी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है कि वो झूठ मूठ का लोगों के सामने में सिंपैथी गेन करना या कह सकते हैं कि वो माँ बनने की स्थिति को बयान करना, ये कभी ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं था। ये एक अफवाह था जिसको काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं लोगों ने देखा और ये ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जितने सारे लोगों ने वीडियो बनाया था कि शबनम प्रेग्नेंट हो सकती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उस समय। और डॉक्टर भी जब विज़िट किया था जेल में आकर के और देखा था, खुद जाँच किया था, तो पता चला था कि नहीं, ये जस्ट एक अनुमान था, एक जो कह सकते हैं एक रहम था जो जिसे मतलब इस रूप में लोगों के सामने रखा गया था। तो फिलहाल ऐसी कोई अभी स्थिति नहीं बनी है शबनम के साथ और ऐसा आने वाले समय में भी ऐसा संभव नहीं नज़र आता दिख रहा है। तो अब बातें घूर फिर करके आ जाती है, तो क्या शबनम नहीं बचना चाहती है? तो दोस्तों शबनम बचना तो बहुत चाहती है और काफ़ी ज़्यादा ट्राई भी करती है। मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताया कि शबनम इस तरह की हरकत करती है, ये करती है, वो करती है, तो सब कुछ आने वाले समय में भी आप कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता रहेगा। तो हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचता रहता है। तो अगर आपको इसी तरह का अपडेट आपको पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा करके रखें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।